बुध 19 अक्टूबर 2023 को 1:06 पर कन्या राशि से निकलकर शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध का तुला राशि में प्रवेश करना हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी और बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए बुध 3रे और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी के 7वें भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। बुध के इस गोचर की अवधि में आपको अपने रिश्तों में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कुछ पैसों से जुड़ी समस्या भी आपको देखने को मिले। आप उम्मीद से ज्यादा खर्च करने वाले हैं, जिसके कारण आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपसे गलती होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वरिष्ठों के साथ भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कार्य का दबाव भी अधिक रहने वाला है। हालांकि व्यवसायी जातकों को इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय अवधि में आपको पैरों में दर्द, एलर्जी या पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध 2रे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग, ऋण, रिपु के 6ठे भाव पर बुध का गोचर होने वाला है। यह गोचर आपके लिए आर्थिक परेशानियां लेकर आ सकता है। हो सकता है इस दौरान आपको कर्ज लेने की नौबत पड़े। पारिवारिक समस्याओं में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप करियर पक्ष में प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े क्षेत्र में मुनाफे में कमी देखने को मिलेगी। व्यापार को अच्छे तरह से चलाने के लिए आपको योजनाबद्ध तरीके से और धैर्य के साथ काम करना होगा। जीवन साथी और परिवार के साथ संबंधों में खुद को शांत रखने और समायोजन करने की आवश्यकता होगी। बिना वजह किसी भी बहस में न पड़े, इससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। अपने द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर नियंत्रण रखें। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी, जिसके कारण पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश में बुधवार के दिन दूर्वा जरूर अर्पित करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध 1ले और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन के 5वें भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। धन, बुद्धिमता और आपके जीवन में समृद्धि बनाने के लिए आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास आपको सफल बनाने वाले हैं। इस दौरान आप अपने लिए अच्छे मानक स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। आपके रचनात्मकता में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। काम के संबंध में भी आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। नौकरी के संबंध में आप बुद्धिमता दिखाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। आपको इस दौरान अच्छी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यवसाय में अपने कठिन प्रयासों से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो आपको उम्मीद से ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। आपको इस दौरान वेतन वृद्धि मिल सकती है, जिसके कारण आप आर्थिक रूप से मजबूत नजर आएंगे। रिश्तों में सामंजस्यता बनी रहेगी और आप अपने रिश्ते को प्रेममय बनाने के लिए कामयाब रहने वाले हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी इस दौरान आपको नहीं होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बुध 3रे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और शुक्र के 4th भाव पर बुध का गोचर होगा। इस दौरान आपको अपने जीवन में निराशा का सामना करना पड़ सकता है। चयन और आराम आपके जीवन से दूर हो सकता है। आपके तनाव में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। परिवार में समस्याओं की स्थिति बनती रहेगी। इस दौरान किसी कीमती सामान या संपत्ति का नुकसान हो सकता है। नौकरी के नए अवसर आपके हाथ से दूर जा सकते हैं। साथ ही आपको अनचाहा नौकरी में बदलाव मिल सकता है या फिर नई जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। व्यवसाय के मोर्चे पर आपके लिए लाभ की स्थिति बुध देव बनाने जा रहे हैं।
लेकिन आपको व्यापारिक लेन देन करते वक्त सावधानी बरतनी है। रिश्तों में सामंजस्यता की कमी देखने को मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य से संबंधित सर्दी या पाचन से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन हरी चीजों का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन और पराक्रम के तृतीय भाव पर बुध का गोचर होगा। यह समय प्रयासों को विकसित करने और उद्योगों में सफलता दिलाने वाला आपके लिए साबित होगा। आपको इस दौरान अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है इस समय अवधि में करियर संबंधित अपनी जगह बदलने की आपको आवश्यकता पड़े और यह बदलाव आपके लिए शुभ भी रहेगा। आपका धन प्रवाह भी सुचारू रूप से चलते रहने वाला है, साथ ही आप धन संचित में भी कामयाब नजर आ रहे हैं। आपका करियर पक्ष शुभ रहने वाला है। आपके जीवन में नए बदलाव आएंगे और इन बदलावों से आपके काम के प्रति रुचि बढ़ने वाली है। आपको इस दौरान विदेश में नौकरी के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसाय क्षेत्र भी आपके लिए नई चमक लेकर आने वाला है। आपको व्यवसाय से संबंधित यात्राएं करनी पड़ेंगी और इन यात्राओं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आर्थिक तौर पर धन लाभ की स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। जीवन साथी के साथ रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहेंगे और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। आपके अंदर बुध इस समय अवधि में उच्च ऊर्जा और उत्साह देने वाले हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध पहले और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर बुध का गोचर होगा। जीवन में आपको धन और करियर से संबंधित लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आप इस दौरान पैसा कमाने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। यह गोचर आपके लिए ढेरू यात्राओं का सुख भी लेकर आने वाला है। नौकरी में आपको पदोन्नति मिलेगी और आपकी वेतन वृद्धि भी होगी, साथ ही आपके लिए नए नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। आपके अंदर बुध इस समय अवधि में नया उत्साह और ऊर्जा देने वाले हैं। व्यवसाय क्षेत्र में उच्च लाभ की स्थितियां बनेंगी और व्यवसाय आपका सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष में आपको स्थिरता मिलने वाली है। इस दौरान आपके लिए आय वृद्धि की प्रबल योग बनने जा रहे हैं। आप धन संचित करने में भी कामयाब नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की नित्य आराधना करें। तो यह था बुध का तुला राशि में होने वाला गोचर, जिससे हमारी प्रथम की छह राशियां इस प्रकार प्रभावित होंगी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।